अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं वॉलनट चॉकलेट केक। वॉलनट चॉकलेट केक बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बाउल ले लिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 एग। हमें इसको, मैं आपको डायरेक्टली ही बताऊंगी, पहले मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी, ऐसे ही जितनी मैं ऐड करती जाऊँगी और आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, गाइड करती जाऊँगी। 4 एग इसमें ऐड कर देंगे और ये रूम टेम्परेचर एग हैं, फ्रिज में रखे हुए यूज़ नहीं करने, बिकॉज पहले ही ठंडा है तो ये बाहर भी ठंडे ही हैं, रूम टेम्परेचर ही होने चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मेजर कप से हमने ले लिया है शुगर को, थोड़ा सा कम हमने कप ले लिया है। अगर आप फुल भी ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, बट मैं इसमें थोड़ी सी कम ही ऐड करूँगी और इसे हम बीट कर लेंगे अच्छा सा, ताकि ये जो है शुगर ये भी मेल्ट हो जाए और एग भी बीट हो जाए। देखिए हमने एग्स को बीट कर लिया और ये शुगर भी इसकी मेल्ट हो चुकी है। अब हम ले लेंगे एक दूसरा बाउल, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, मेजर कप से हमने ले लिए हैं 3 कप मैदा और इसको स्ट्रेन कर लिया, छान कर इसको मैंने ना साफ करके रख लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, हम इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा 1 टीस्पून से बेकिंग, ये सोडा, मीठा सोडा जो होता है ना, ये वो ले लिया हमने, थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें 1/4 टीस्पून। सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच, जस्ट टेस्ट के लिए, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम कोको पाउडर, कोको पाउडर ले लेंगे, डार्क कोको पाउडर है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 टेबल स्पून। ताकि ज़्यादा चॉकलेटी सा बने, 4-5। भर के हमने टेबल स्पून लेना, सारा इसमें ऐड कर देंगे, सारा मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया और इसे अब हम साइड पर कर देंगे। और ये जो हमारे पास एग हैं पड़े हुए, इसको जिसको हमने शुगर और एग को बीट किया था, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम, हमारे पास है ऑयल 1 कप से थोड़ा सा कम, बस जस्ट आधा इंच हमने कप को थोड़ा नीचे रखना, ज़्यादा कम नहीं करना। और इसमें ऐड कर देंगे वनीला आइसेंस के थोड़ा सा ऐड करना हमने, बस थोड़ा सा 1/3 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल। और हमने ले लिया है 1/2 कप हमारे पास है दूध, और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून सेमोलिना मिक्स करके रखती थी 15 से 20 मिनट पहले, ताकि ये थोड़ी फूल जाए, इसको मैंने रख दिया था। ये ऐड कर देंगे सारा, 1/2 कप मैंने दूध लिया था और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून इसको डाल के सूजी को तो रख दिया था 15-20 मिनट पहले ही, ताकि ये फूल जाए। अगर हमें इसमें दूध और डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐड कर देंगे, इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितना बताया है आपको 1/2 कप उतना ही ऐड करें, हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी जितनी हम उसमें और भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने अगेन मिक्स कर लिया इसे, अब विस्क का काम ख़त्म हो चुका है। और अब हम इसमें जो हमने मैदा मिक्स करके रखा है ना, ये मैदा हमने इसमें मिक्स करके रखा है, ये 1/2 1/2 डाल के, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। पहले मैं इसमें 1/2 ऐड कर दूँ और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। गहनेंगे आप इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स करते रहें, इससे हार्ड भी हो जाता है, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो 1/2 बचा मैदा ये भी डाल देंगे,
देखिए मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दूँगी ताकि लम्स ना बने। एक कप हमने पूरा दूध लेना है, जिसमें से हमने हाफ कप में पहले ही सोक करने सूजी रख दी थी और हाफ कप मेरे पास है। जितना हमारा इसमें दूध जाएगा हम उतना ही ऐड कर देंगे। पूरा हमारा एक कप इसमें दूध जा चुका, इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, कोई लम्स ना रहे इसमें। अब ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं इसमें एक सिप और डाल दूंगी दूध। अगर हमें ठीक लगेगा हम ज्यादा थोड़ा दूध डाल सकते हैं, एक कप से ही ज्यादा डाल दिया मैंने इसमें, जितने हमें इसकी ज़रूरत होगी दूध की हम उतना ही। पर एक साथ हमने इसमें दूध ऐड नहीं करना है एकदम से, वरना ये ज़्यादा ही पतला हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं बनेगा केक। और अब हम इसे मिक्स कर लें। इतना इजी सा केक है, आप इसे घर में बनाएं, बाज़ार से इतना एक्सपेंसिव मिलता है, आप घर में ईजीली बनाएं और इन्जॉय करें। चॉकलेट केक आपको मेरे चैनल पर इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ मिल जाएंगी केक्स की, वनीला केक और टी केक, पता नहीं कौन कौन सी मेरी चैनल्स पे रेसिपीज़ हैं। मैं तो खुद भी भूल गई मैंने इतने ज़्यादा केक बनाए। आप सर्च करें, डेथ बाय चॉकलेट केक भी मिल जाएगा आपको उस पर। चलिए अच्छा सा मिक्स हो चुका है, बस हमें इसे इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, ये बस लास्ट है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे विनीगर। देखें अब हम इसमें ऐड कर देंगे वाइट विनीगर। वाइट विनीगर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। इसे मिक्स कर लेंगे, इससे बड़ा फ्लफी सा बनेगा, इसको हम लास्ट में ही मिक्स करेंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लफी बनेगा हमारा केक। इसको अच्छा सा फोल्ड कर लेंगे फिर अगेन। और मैंने एक पॉट को ना पहले ही फ्लेम ऑन करके मीडियम, तो उसको प्री हीट करने के लिए रख दिया, और एक को क्रीस करके रख लिया है हमने पॉट को, ताकि हम उसमें ये सारा मिक्सचर जो है केक का पोर कर दें। पहले ही आप उसको प्री हीट करने रखेंगे तो ज़्यादा सही है, और बाद में हम केक की मिक्सिंग करेंगे। चलिए अच्छा सा मिक्स हो गया है, अब हम इसको एक पॉट में ऐड कर देते हैं। अब हम एक पॉट ले लेंगे और इसमें ये सारा मिक्सचर जो हमारे केक का ही ऐड कर देंगे। मैंने पहले ही बटर पेपर लगा दिया और उसको ऑयल से ना अच्छी तरह ग्रीस करके रख लिया। ये सारा मिक्सचर जो है हम इसमें ऐड कर देंगे। हमारा केक ज़्यादा बड़ा 3 पाउंड अराउंड, ये 3 पाउंड का हमारा केक बनेगा, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा इसका वेट हो, और हम अगर इसकी सेटिंग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा उसका वेट हो जाएगा चॉकलेट क्रीम के साथ। देखिए मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, इतना 3 कप मैदा और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हमारी यूज़ हुई हैं, इतने भी एक्सपेंसिव नहीं बनेगा हमारा ये घर में जितना हमें बाज़ार से पड़ता है। तो आप घर में बनाएं इजीली, ज़बरदस्त। बस सेम आपने वही चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने आपको बताई हैं, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें थोड़े बहुत जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। देखिए मैंने एक पॉट ले लिया ये, और इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया जो केक का जिसमें हमने बैटर डाला था। बस केयरफुली आपने डालना हाथ, वरना बर्न हो जाएगा आपका। तो आप इसको ध्यान से बस इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने इसकी फ्लेम को पहले हाई रखा था 10 मिनट के लिए, और फिर उसको मीडियम करके छोड़ दिया था ताकि ये अच्छा सा प्री हीट रहे। और अब मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है, और इसको मैं अब कवर अप करके रख दूंगी 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगी, और जितनी टाइमिंग में ये कुक हो जाएगा मैं आपको लास्ट में मेंशन कर दूंगी। इसको हमने कुक करने रख देना है मीडियम टू लो पर बिल्कुल कवर अप करके, ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकले। मिलते हैं 25 मिनट या 30 मिनट बाद। देखिए मैंने इसको आधे घंटे बाद भी चेक किया था, जब ये इसके अंदर नाइफ हमारी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी, और ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अराउंड 50 मिनट हो चुके हैं।
इसको हम ऐसे ही नाइफ़ से चेक करेंगे, अगर हमारी नाइफ़ क्लियर नहीं आएगी तो दैट्स मीन कि ये अभी कुक नहीं हुआ, तो आप इसको और टाइम दे देंगे। मैंने आधे घंटे के बाद फिर इसको और टाइमिंग दे दी थी, तो ये इसको 50 मिनट हो चुके हैं। इसकी फ्लेम को हमने अब ऑफ कर दिया और इसे बाहर निकाल लेंगे। इसको ठंडा करने के बाद डिमोल्ट कर देंगे। देखिए मैंने केक को डिमोल्ट करके रख लिया है और उसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देंगे नाइफ़ से कटिंग करके ना पहले ही, और इतना ज़बरदस्त और सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हुआ है। देखें मैंने इसको छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है ना, तो मैंने इसको डिमोल्ट कर लिया है और अब हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। मैंने ले लिया है 2 से 3 सिप है मेरे पास मिल्क, इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारे पास है डार्क चॉकलेट का बार, हाफ़ मैंने ले लिया चॉकलेट बार, और इसको हम माइक्रोवेव करके तो इसको मेल्ट कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी कटिंग करके तो इसको क्लियर कर लेते हैं, एक सा कर लेते हैं और जब तक हमारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने 2-2.5 मिनट इसको माइक्रोवेव करके तो अच्छा सा मिक्स करके इतनी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो चुकी है, ज़्यादा इसको टाइमिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी। पर हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, पानी के बगैर ही हमने इसको दूध ही डाल के मेल्ट करना है। अब मैंने एक सिरप रेडी कर लिया, सिरप है मेरे पास ये, मैंने इसको ऊपर से क्लियर कर दिया कटिंग करके ना, ये देखें पीसीज ये बच गए हैं जो ज़रा ब्रेक हुए हुए थे, इसको हमने क्लियर करके तो लेवल कर लिया केक का, और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इसको हम यूज़ कर लेंगे किसी भी कस्टर्ड में, हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसको क्रश करें हैंड से यूज़ कर लें और इसके हम चॉकलेट बार भी बना सकते हैं केक को बिल्कुल अच्छा सा क्रश करके। और अब हम इसको रख देंगे साइड पर, और एक हमने सिरप रेडी किया है, सिरप में मेरे पास है 1 लेमन ले लिया मैंने और इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम और ये केक के ऊपर ना ऐसे ही पोर कर देंगे ताकि हमारा केक सॉफ्ट सा हो जाए, पहले ही माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन हम फिर भी डाल देंगे, इससे ज़रा बड़ा ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है। सिर्फ 2 सिप ले लिए थे, ज़्यादा पानी नहीं लिया मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए ताकि ये थोड़ा नीचे चला जाए सारा इसको जो हमने सिरप डाला है। देखिए मैंने 2-3 मिनट के लिए इसे केक को छोड़ दिया था, अब ये जो हमने चॉकलेट बनाई है ना सारी इसके ऊपर पोर कर देंगे। और इसे नाइफ से हम इवन कर लेंगे। घर में इजीली बन सकता है आपको, और भी इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ है मेरे चैनल पर, सेमोलिना केक, मार्बल केक, चॉकलेट बाय डेथ बाय चॉकलेट केक, और भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट केक्स की रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। ज़बरदस्त, देखें कितना जल्दी है इतना बड़ा हमारा केक रेडी हो गया। वैसे ही हम इसको सारा सेट कर लेंगे चॉकलेट को। टी टाइम पर आप इसे बना के इंजॉय करें, नाश्ते में भी हम खा सकते हैं, फिर सिंपल भी खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम चॉकलेट ही लगाएं इसके ऊपर, सिंपल भी ऐसे इतना मज़ेदार लगता है। अजान हो रही है, हम थोड़ी देर के बाद अब बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, अब थोड़ी सी अजान सुन लो। देखिए हमने इस पर चॉकलेट लगा दिया और ये हमने वॉलनट्स को थोड़ा क्रश कर दिया, ये मेरे पास चॉकलेट है इसको भी हमने क्रश करके रख दिया। अब हम इसकी किसी भी तरह से कोई सेटिंग कर लेंगे। अब ये जो वॉलनट्स हैं ना हम इसको साइड साइड से करके डाल देंगे।
किसी भी तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इस पर ज़्यादा या कम भी बोनेट सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी सेटिंग ऐसे करूँगी कि ये यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा सा और उस साइड से थोड़ा बात हमने पतला कर दिया। ऐसे ही हमने इसकी सेटिंग करनी है। आप किसी भी तरह कर सकते हैं इजीली, जो आपको इजी लगे। देखिए जो कॉर्नर्स है ना, इसको ऐसे हम और डाल देंगे, बिल्कुल बारीक बारीक सा ये वाला पाउडर टाइप ही मैं कॉर्नर्स पर डाल दूंगी। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। अब ये हमने जैसे चॉकलेट को क्रश किया है ना, ये हम इस साइड पर डाल देंगे। ये बस इतने ही पीस पर मैं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे तो थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसको सही सा बना लेंगे ताकि ये ख़राब ना लगे। थोड़ा सा चॉकलेट का जो क्रश चॉकलेट बची है, ये भी हम इसी साइड पे थोड़ी सी डाल देंगे। मैंने थोड़े से फ्लावर्स लिए, ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी ताकि हमारा केक खूबसूरत ब्यूटीफुल सा लगे। ये हमारे अपने ही घर के ही हैं फ्लावर्स। इसको किसी भी तरह आप सेट कर लें। एक हम इस साइड पर रख देंगे ऐसे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा वॉलनट चॉकलेट केक रेडी है। फ्रेंड्स, हमारा इतना मज़ेदार सा वॉलनट चॉकलेट केक रेडी टू ईट है। सिंपल रेसिपी, घर में बनाएं, इंजॉय करें। लो बजट रेसिपी, अगर आप इसे बाहर से परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा इसकी प्राइस होंगी, और अगर आप घर में बनाएंगे इजीली इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त सा हमारा केक बन जाएगा, और आप इसे इंजॉय भी कर लेंगे। आप इसे बनाएं, इंजॉय करें टी टाइम के साथ, इसे सर्व करें, गेस्ट के लिए बनाएं, फ्रेंड फैमिली में शेयर करें। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।